नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐसा शानदार शहर जो अपने प्रसिद्ध मंदिरों के अलावा और भी कई सारी घूमने लायक जगहों के लिए काफी फेमस है। तो उन्हीं में से आज के इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नासिक के वन ऑफ द फेमस फोर्ट को, जो कि एक ट्रैकिंग लोकेशन भी है। तो इस हिंट से आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं हरिहर फोर्ट की। सो हेलो, जहाँ ट्रैक स्टार्ट करते से हम पीक्स देखने को मिलेंगे, वहीं जैसे जैसे आप ट्रैक में आगे बढ़ेंगे वहीं तो पूरी से रास्ते फोर्ट को जाते समय आपको रास्ते में काफी कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि नासिक की खूबसूरती, छोटे छोटे गांव और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इन सभी को पार करके हम पहुंचते हैं एक छोटे से लेकिन बेहद खूबसूरत गांव में जिसका नाम है हर्षेवाड़ी। बात करें हरिहर फोर्ट की तो ये त्र्यंबकेश्वर तहसील नासिक जिले के अंदर आता है। ये फोर्ट 3,675 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है। इसी वजह से पुराने समय में ये फोर्ट गोंडाघाट के ट्रेड रूट को देखने के लिए बनाया गया था और आज ये फोर्ट स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट एंड ट्रैकर्स के लिए एक एडवेंचरस ट्रैकिंग पॉइंट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस एडवेंचरस ट्रैक को। ये ट्रैक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज बेस विलेज टू प्लेट्यू एंड सेकेंड इज प्लेट्यू टू पीक। सो यहाँ से आपको ट्रैक स्टार्ट करने के लिए 30 रुपीज की एंट्री फी देनी होती है। बेस विलेज से प्लेट्यू का सफर स्टार्ट होता है छोटी मोटी चढ़ाई के साथ, जहाँ आप जंगलों के बीच से ट्रैक करते हुए प्लेट्यू तक पहुँचते हैं। इस सफर में आपको हर एक पॉइंट से नेचर की कई सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेंगी। जहां ट्रैक स्टार्ट करते समय पीक्स देखने को मिलेंगे, वहीं जैसे जैसे आप ट्रैक में आगे बढ़ेंगे आपको वैली का ब्यूटीफुल नजारा देखने को मिलेगा। रास्ते में जगह जगह पर लोकलाइट्स ने छोटी छोटी शॉप्स और रेस्टिंग पॉइंट्स बनाए हैं, जहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं और साथ ही वैली के व्यू का मजा भी ले सकते हैं। और यहाँ से हरिहर वैली का नजारा आपको खुश कर देगा। आपको एक अचीवमेंट सी फील होगी, पर उससे बड़ी खुशी और अचीवमेंट है पीक में पहुंच जाने पर, जो यहाँ से अब रॉकी ट्रैक पार करके मिलेगी। प्लेट्यू से पीक तक आपको रॉकी स्टेयर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा क्योंकि फिसलने या गिरने से काफी चोट लग सकती है।